ये जो कोफ्ता है ना पिज्जे में आजकल कमाल का ये टेस्ट दे रहा है कि मैं आपको अपनी बातों में नहीं बता सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम मौजूद हैं गोसिया फूड पे और आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम आप बनाना सिखाएंगे क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा, जिसे हम स्टार वाला पिज़्ज़ा भी बोलते हैं। चलें आए हम आपको सिखाते हैं और बनाते हैं क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा। आए ये हमने दो पहले से लगा के रखी हुई है, हमने बना के ये देखिए ये डो का रेसिपी कौन सी हम आपको वो भी बताएंगे, कैसे डो हम लगाते हैं, कैसे बनाते हैं, इसका तरीकाकार भी बताएंगे। ये क्योंकि हमने रेस्टोरेंट पे बना के रखते हैं पहले से। चलें ये देख रहे हैं आप, क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें चाहिए कोफ्ते। कोफ्ते लेते हैं हम इसलिए ताकि इसके स्टार बन जाएँ। तो आए हम कोफ्ते लेते हैं, पहले उसको फ्राई करते हैं, फिर इस पर पिज़्ज़े पर लगाते हैं। ये देखें जी, ये चार अदद हमने कोफ्ते लिए हैं। ये किसी भी ब्रांड के आप ले सकते हैं, अच्छी कंपनी के लें ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए हमारे पास। ठीक है, ये देखिए इसको हाफ कट करते हैं। हाफ कट इसलिए करते हैं ताकि ये अंदर से डीपली फ्राई हो जाएं, पक जाएं, क्योंकि ये कंपनी की तरफ से जो आते हैं हमारे पास ये होते हैं हाफ डन। हाफ डन किए होते हैं उन्होंने, ये फुल डन नहीं होते, यानी कि फुल पके हुए नहीं होते। ये देखिए इसको फ्राई करते हैं। अगर आपके पास फ्रायर नहीं है घर में बनाने के लिए, तो आप इसे तवे में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके तो तवे में हल्का सा बना सकते हैं, इसको ना गर्म कर सकते हैं। इनको हमने फ्राई करना है तब तक जब तक इनका कलर डार्क ब्राउन नहीं हो जाता। जैसे ही इनका कलर डार्क ब्राउन होगा हम इसको निकाल लेंगे और पिज़्ज़े पर लगाएँगे। लें जी, हमारे कोफ्ते फुल डन हो चुके हैं, आप इनका कलर देख लें। जैसे ही इनका कलर थोड़ा सा डार्क ब्राउन होता है तो आप लोग इन्हें निकाल लेने, ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये जल जाएंगे, इनका कलर ख़राब हो जाएगा और ये जले की स्मेल आएगी इनमें से। इनको स्ट्रेन करते हैं, ऑयल निकालते हैं इनका। क्राउन क्रस्ट बनाने के लिए, स्टार पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम इसकी पार्टीशन करते हैं ताकि इसका स्टार अच्छे से बन जाए। ये देखें, ये लार्ज पिज़्ज़ा है हमारा, लार्ज पैन है, क्योंकि लार्ज पैन के होते हैं 4 slices, यानी कि 8 इसके ना पार्टीशन होती हैं, 8 pieces होते हैं इसके। तो ये 8 हमने कोफ्ते लिए हैं। ये देखें इसको इक्वली लगाएँ ताकि ये खूबसूरती से हमारा स्टार बन जाए। ये देखिए, ठीक है जी। इसके बाद हम लगाएंगे इसके अंदर स्पेशल सॉस हमारी। थोड़ा सा इसको बेंड करते हैं ताकि इसमें सॉस हमारी रच जाए, चली जाए। इसको फिल करेंगे सॉस के साथ। चलेंगे अब इसकी बनाते हैं स्टार्ट पार्टीशन, यानी कि ये देखें ये बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, आप इसे घर में बड़ा इजीली बना सकते हैं। ये दो फिंगर्स आपने, एक थंब और एक फर्स्ट फिंगर आपने रखनी है दो कोफ्तों के ऊपर, और ये अपना हैंड इस दो को पकड़ना है और साथ ही ऊपर पकड़ के ऐसे कर देना आपने। ये देखिए बड़े ही खूबसूरत से हमारे स्टार बन चुके हैं। ये देखिए इसे हम बोलते हैं क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा और स्टार वाला पिज़्ज़ा। इसके लगाते हैं हम, सुराख करते हैं ताकि ये फूले ना पिज़्ज़ा हमारा।
इसके ऊपर लगाएंगे हम अपनी पिज़्ज़ा सॉस जो हमने तैयार की हुई है। अगर आपके पास घर में पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप इस पे सिंपली चिली गार्लिक या केचप की मिलती है, शंग्रीला की या किसी और कंपनी की, आप यूज़ कर सकते हैं घर में पिज़्ज़ा की बेस पे लगाने के लिए। अगर वो भी नहीं है आपको सूटेबल तो आप इस पे सिर्फ सिंपली मायोनीज़ यंग्स की या किसी और कंपनी की यूज़ कर सकते हैं इसकी बेस पे लगाने के लिए। ये देखिए, ये क्राउन क्रस्ट हमारा पिज़्ज़ा है, ये होता है जूसी सा, टेस्टी सा। इसे ज़्यादा टेस्ट देने के लिए सॉस थोड़ी सी एक्स्ट्रा लगाते हैं ताकि ये जूसी बन जाए। अब इस पर टॉपिंग करते हैं हम अपने चिकन की, जौन सा हमने खुद पहले रेडी करके रखा हुआ है, फुल डन करके। फिर चिकन को बनाना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप घर में इसको बहुत इजीली बना सकते हैं। जैसे कि हम आप समझ लें कि बोनलेस हांडी बनाते हैं घर में, वैसे इसको काट के स्लाइसेस करके इसके चिकन के बोनलेस के, तो बस इसको खुश करना है, इसका पानी आपने नहीं डालना। घर में बनाते हैं इजीली, फीमेल्स वो बनाती हैं शोरबे वाला चिकन, तो इसको हमने सिर्फ हांडी टाइप बनाना है, इसका शोरबा बनाना। मसाले वही होते हैं घर में जो इधर यूज़ करते हैं हम, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है टेस्ट में। चलो जी, ये हमारा चिकन की टॉपिंग हो चुकी है, अब इस पर करते हैं हम अपनी चीज़ की टॉपिंग। ये हमारा चीज़ का कम्बिनेशन है मोज़रेला और चैडर का, मोज़रेला और चैडर दोनों को मिक्स किया हुआ है हमने, ताकि मोज़रेला और चैडर एक तो इसकी खुशबू आती है और दूसरा इसकी लेयर बनती है पिज़्ज़े पे, चैडर मोज़रेला की दोनों की। आपने बड़े आराम से इसको लगाना है चीज़ के ऊपर, पैन पे ना गिरने पाए, ताकि ये पिज़्ज़े पे खूबसूरती ख़राब करती है चीज़ हमारी। आपने इसको अच्छे से फिल कर देना है ताकि हमारा पिज़्ज़ा जो सा डिलीशियस बने, टेस्टी बने और इसकी लेयर भी चीज़ की आए हमारी। चलें, इसके बाद हम इसके ऊपर लगाते हैं वेजी, हमारी वेजी की टॉपिंग होगी जो पिज़्ज़े की लुक को हमारी बढ़ा देती है। ये देखिए, अनियन डालेंगे थोड़े से क्वांटिटी में, इसके बाद टोमेटो आ जाते हैं, उसके बाद हमारी आती है कैप्सिकम, इसको भी थोड़ी सी क्वांटिटी। देख रहे हैं आप वेजी के कलर, अल्लाह ताला के निज़ाम देख रहे हैं, वेजी के कलर आप देखें पिज़्ज़े पे, क्या है इसका लुक आ रहा है पिज़्ज़े का। ये देखिए, वेजी लगाने से पिज़्ज़े की जो सी खूबसूरती है वो बढ़ जाती है। इसके बाद लगाते हैं हम ऑलिव्स, स्टार्स के ऊपर लगाएंगे हम इसके ऑलिव, ताकि इसकी खूबसूरती बढ़ जाए। चले, उसके बाद ये एलापिनो है, एलापिनो आपकी चॉइस होती है, अगर बाज़ लोग नहीं पसंद करते और बाज़ लोग इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में आता है। ठीक है, इसके बाद स्वीट कॉर्न है हमारे पास, ये भी आपकी चॉइस है, अगर नहीं आपके पास रेल तो आप ना लगाएं, कोई इसका मसला नहीं, आप सिर्फ लगा सकते हैं टोमेटो, शिमला और अनियन, बस इसकी टॉपिंग आप कर लेंगे तो ये भी काफ़ी है। चलें, ठीक है जी, देखें आ जाएं, इसको ओवन में लगाते हैं हम। इसका टाइम ऑन करते हैं, ये पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो जाएगा तकरीबन 5 से 7 मिनट में, ये ऊपर नीचे से हीट करता है ओवन हमारा डक।
अगर आपके पास घर में ओवन नहीं है तो आप उसका तरीका कार ये है कि आप प्रेशर कुकर लें, आप इजीली घर में होता है हमारे, तो उसमें आप पिज़्ज़े को रख के बना सकते हैं। वो भी आपको तरीका इंशाल्लाह बहुत जल्द बताएंगे कैसे आप प्रेशर कुकर में आप पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। जी पिज़्ज़ा को लगे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, ये देखें साथ साथ इसको चेक करते रहें ताकि जले ना, नीचे से या ऊपर से चेक करें इसको साथ में। वो नाइफ पकड़ाना, ये देखिए जी आप देख रहे हैं साथ साथ ये तकरीबन फुल डन के करीब करीब है, बस थोड़ा सा टाइम इसको और देंगे ताकि ये फुल डन हो जाए। लें जी हमारा पिज़्ज़ा फुल डन हो चुका है, ये देखिए ठीक है जी, कि ऊपर से इसका कलर भी देखे और नीचे से भी तकरीबन ऐसा ही है। आप इसको बड़े स्मूथली तरीके से हम इसको पैन में निकालते हैं, ये देखिए ठीक है। बहुत ही प्यारा सा पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो चुका है, देखें इसका कलर, उसकी कम्बिनेशन ऑफ कलर देखें इसका कैसा खूबसूरत है, ठीक है। अब इसके हम करते हैं पीसेस, स्लाइसेस करते हैं, ये देखें ये देखें आप चीज़ की लेयर देखें कैसे खूबसूरत अंदाज से निकल रही है, देखें ठीक है जी। इसको आपने वेस्टेज नहीं करना चीज़ को, साथ ही इसके चिपका दें ताकि ये साफ़ हो जाए। लें जी हमारा पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट रेडी है, देखें इसको और ख़ूबसूरत करने के लिए, मज़ेदार करने के लिए हम इस पर लगाते हैं हम स्पेशल सॉस, ठीक है। और इसके स्टार्स पे भी हम मायो लगाएंगे ताकि इसकी खूबसूरती बढ़ जाए, देखिए ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, जो है शेफ हमारे वकास वो लेके आए हमारे लिए क्राउन क्रस्ट, जिसको स्टार पिज्जा भी कहा जाता है। ये देखने में तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है और ये चीज़ भी नहीं है, ये बिल्कुल नई चीज़ है जो मैंने पहले ख़ुद भी नहीं खैर खाई हुई, और इसको हम ट्राई करेंगे ये किस तरह की चीज़ है, इसमें क्या स्पेशलिटी क्या है, कि ये जो इसमें बॉल्स किस चीज़ के हैं, ये क्या है? देख रहे हैं, ये देख रहे हैं बड़ा डिलीशियस लग रहा है, और इसकी जो स्टार्च बनाए हैं हाँ दिखने में और खाने भी बड़ा। चलें जी अभी इसको हम ट्राई करते हैं और ट्राई करने के बाद आपको ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, ये हमारे शेफ साहब बना के लाए हैं और हम आपको बताएंगे भी कि शेफ साहब ने किस तरह की प्रोडक्ट बना के आज हमारे सामने पेश की है। और अगर कोई ये चीज़ें सीखना चाहता है तो वो जो है ना, हम अपना जो नंबर है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप डायरेक्ट हमें कॉल करके यहाँ से आके हमसे ये रेसिपी सीख के अपना कारोबार भी कर सकते हैं। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं जी। तो हम बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको अभी स्टार्ट करने लगे हैं और आपको जल्दी ही इसका रिव्यू भी देंगे, ऐसा नहीं है कि पहले पूरा खाएं उसके बाद आपको बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब जो है ना ये जो कोफ्ता है इसकी बाइट लेते हैं ताकि बाकी तो पिज़्ज़ा जो है तकरीबन वही वाला थोड़ा सा मिलता जुलता ही है, बस सॉस का थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन अब जो मेन चीज़ इसमें आई है हमारी ना, उसकी बाइट लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कि क्या चीज़ बनी है। ये चीज़ ज़बरदस्त है, ये एक बिल्कुल नई वैरायटी है जो कि आपने देखी है, और ये जो कोफ्ता ना पिज़्ज़े में ऐसा कमाल का ये टेस्ट दे रहा है कि मैं आपको अपनी बातों में नहीं बता सकता। आप गौसिया रेस्टोरेंट आएँ, हमारा ये वाला पिज़्ज़ा ट्राई करें, और उसके बाद आप भी अपने चैनल्स पे, अपने अकाउंट्स पे, टिकटॉक अकाउंट्स पे, फेसबुक अकाउंट्स पे, अगर ये बुरा है तो इसको बुरा बोलें, अगर सही है तो आप सही बोलें, लेकिन इंशाल्लाह ताला जो खाएगा ना वो तारीफ लाजमी करेगा। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।